आपका स्वागत है। और ये रहा मेरा मरला सा परिवार, जो कि बीमार रही पति, बदमाश मेरी बच्ची और एक हाँ छुटी तो किचन पड़ी हुई क्या। हाँ कुकी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो नाम लिया आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्ही को तो बुलाया जा रहा था, तुम्ही तुम्हारे बारे में तो पूछा जा रहा था। हाँ तो दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है और मेरा सारा काम लगभग हो चुका है। हाँ ठीक है ना। तो दोस्तों सारा काम मेरा लगभग हो चुका है और बस कुछ काम रह गया, जो लोग नाश्ता पानी करने की बात करेंगे। जैसे मिल्की को नहलाना है तो उसको मैंने दूध बना के रख दिया ऑलरेडी, उसको पिला उड़ा के लंच कर दिया। अब हम लोग जो नाश्ता करेंगे उसके बाद करते करते भूख उसको लगी आएगी, तो सीधे नहला के उसको खाना ना खिलाया जाएगा। उससे पहले हम लोग खुद नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को अभी भूख लग रही है। तो नाश्ते में बना रही हूँ डालेंगे, एक मिनट थोड़ा मेरा वो तवा थोड़ा तेज़ है क्या। अरे यार तेज करके आ गई थी, तवे में था कुछ नहीं, बस तवा मेरा तेज रह गया था क्योंकि मुझे ब्रेड फ्राई वगैरह करना था। मैं सोची नाश्ते बनाती हूँ अंडा ब्रेड और क्या कहते हैं, और डार्लिंग ब्रेड भी ख़त्म हो गया है, अंडा भी ख़त्म हो गया था, शाम को आप लेते आइएगा। अंडा ख़त्म हो गया? हाँ अंडा वगैरह सब ख़त्म हो गया क्योंकि दोस्तों दो ही अंडे बचे थे और वही चार पांच ब्रेड बचा हुआ जो कि मैं भी बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो आज फिर लेके आइएगा। क्योंकि ना अभी आजकल ना सुबह सुबह नाश्ते में अंडा ब्रेड खाने का मन करता है और रहता है तो ईजी भी पड़ता है, वैसे कभी पराठा खाने का मन करता है कभी चीला, वो तो मूड के ऊपर है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना अंडा ब्रेड खाने का मन कर रहा, और रीज़न यही क्योंकि इनकी तबीयत भी ख़राब है, तो उसमें अंडा डेली खिलाऊंगी ना तो अच्छा रहेगा कम से कम, है ना। अरे तो कमजोरी इतना हो गया है यार, क्या बताऊँ। हाँ दोस्तों उनको बहुत कमजोरी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, बिल्कुल डल डल रह रहे हैं, ज़्यादा बातें भी नहीं करते, बिल्कुल लो पड़े रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, क्या होता है कि जिस दिन जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो मेरा पूरा मानना है और मुझे ऐसा लगता है और मेरी मम्मी को भी लगता है, मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती हैं सेम। क्या होता है जब भी घर में तबीयत किसी की ख़राब होती है ना, तो खूब बढ़िया बढ़िया बनाओ, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, खूब एंजॉय करो, ताकि ना कम से कम अब तबीयत तो ख़राब रहती है लेकिन कम से कम घर के माहौल से चीज़ खाने पीने से ना अपने आप तबीयत ना अच्छी लगने लगती है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, इसलिए बढ़िया बढ़िया मैं बना रही हूँ, बड़े बड़े खिला रही हूँ, बड़े बड़े एंजॉय करवा रही हूँ, ताकि बस खुश रहो मज़े करो। घर में तो हो ये छुट्टी तो है ही, इसका मतलब होता है ना कि मरे पड़े रहना है कोने पे, नहीं मस्ती करना है। मेरे सब तो ऐसा है कि हम जोर से बोल रहे हैं ना तो थक जा रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है, कमर इतना पेन कर रहा, उठने मेरे को पलटने में मेरे को आधा घंटा लगता है। और मैं चहचहाने वाला लड़का, पूरे घर में चाय 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 करता रहता हूँ, बोलने की इच्छा नहीं हो रही मेरे। तो दोस्तों तो वो काम मैं कर रही हूँ, छाने का काम मैं कर रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फुल ऑन मस्ती हो, टीवी हो, मूवी देखो, एंजॉय करो, एक से एक बढ़िया खाओ, क्या खाना है, क्या नाश्ता बनाऊँ, क्या मतलब कि सिर्फ इसी में लगी हुई है और मस्त खाना है, मस्त पीना है। दोस्तों मेरा तो ये फॉर्मूला है कि जब भी घर में तबीयत खराब हो ना तो इतना इन्जॉयमेंट करो घर पर, यार इतना बढ़िया बढ़िया खाओ, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट घर का बना दो कि अपने आप तबीयत ना अंदरूनी से सोच रहा वो रहेगी रहेगी लेकिन कम से कम मेंटली अच्छी फील हो। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मंगा लो जो दूसरा पी ही ना पाए। अब बकवास मत करिए। तो दोस्तों मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो मिलते फिर नाश्ते पे। तो दोस्तों यहाँ पे चाय मैं उतारने आई तो देखा कि ये देखिए दोस्तों दूध ना फट गया, तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा कैमरे से, लेकिन दूध पूरा फट गया है। उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दिया था, बड़ी शक्कर वक्कर डाल दिया था, बस वो उतारना था, मतलब कि दूध फट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम चाय पत्ती डालने से पहले, दूध डालने से पहले कम से कम फट जाए तो कम से कम चाय की बर्बादी, शक्कर की बर्बादी, सब की बर्बादी तो ना होना। दिमाग ख़राब हो रहा, फिर से बनाना पड़ेगा यार, फिर से रेडी करना पड़ेगा, तो फटाफट से रेडी करती हूँ। तो ये है गर्मा गर्म चाय जो कि मेरे पति को लग गई है जोरों वाली भूख। ये नाश्ते में बना है अंडा ब्रेड, ये लीजिए। चार तुम्हारा सब का इसी में है, पांच है, पांच अंडा ब्रेड मैंने किया है, तो लगा सब मेरा, तुम कहाँ। और ये रहा हमारे खुकी का बेटा, आपका भी नाश्ता बन गया है, आपका भी नाश्ता बन गया है बेटा, दे दे जाएंगे क्योंकि चाहिए रहता है, लीजिए, है ना। कुकी सब नाश्ता करे, कुकी ने ये तो कर ली भर पेट। हाँ इसने भर पेट खा ही लिया है, मेरे पति देव भी कर ही रहे हैं, मेरे कुकी का भी होता रहेगा, है ना बेटा। ये किसका है, आजा आजा कम कम। क्यों पापा क्या दे रहे, क्या दे रहे पापा, क्या दे रहे हैं पापा, लो 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 लो, ओ यम यम। तो आ गया है ये मेरा सामान, ये मैंने मंगवाया था, ये वैसे मैं लेने जा रही थी लेकिन मेरे पति देव की नींद खुल गई, सो रहे थे, तो मैं सोची मैं जाके ले आती हूँ, तो ये जस्ती आके ले आया, तो मैं दिखा दूँ क्या क्या मैंने मंगवाया है। ये मैंने ब्रेड मंगवाया,
हाँ ये ब्रेड है, हाई ब्रेड है, और ये कुकी के लिए है, बिस्किट दोनों आदमी के लिए है ये। हाँ ये हाइड एंड सीक बिस्किट वगैरह, क्योंकि अभी एक आध दिन छुट्टी में रहना है तो मैं सोची कुछ अच्छा खाते पीते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये तुम्हारे लिए एपी फीस। दो दो है, दो दो है। हाँ, इनको पीना नहीं है, सिर्फ मुझे ही पीना है दोस्तों। इनको तो मैं, क्योंकि गला बैठा हुआ है, इनको जुकाम वुकाम है, तो इनको पीने नहीं दूंगी मैं। इसमें अंडा दूध 12 अंडा ले लिए, अंडा दूध और दही तो मंगाई नहीं थी, सॉरी। यहाँ अंडा दूध है ना, और इसमें चिकन है, इसमें चिकन है, पूरा एक चिकन है, और ये मजे करने के लिए चाउमीन भी मंगाए है ना। तो मैं पैसा जो था, और क्या है ये, अच्छा लहसुन, ब्रेड वगैरह ये सब है ना, बिस्किट वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मंगा लिया मैंने, और डालेंगे शक्कर, मेन शक्कर था, तुमने जितना लिखा था डाल लिया, एक चेक करके मैं लाया। हाँ आप देख सकते हो, दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हो रही, तो वो मैं ही लेके आऊँगी, तो ये ठीक होते तो ये लेके आया, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं ही जाऊँगी, मेरे लेके आऊँगी। दोबारा जाऊँगा मैं, हालत खराब है, कमजोर लग रहा है। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं सोचा दोस्तों पहले कि मैं अंडा करी बनाऊंगी, क्योंकि जुकाम कम होता है, तो अंडा करी बना के खिलाऊंगी, अच्छा रहेगा। अंडा करी ही बनेगा, चिकन ही बनेगा, नहीं चिकन रखाएगा अंदर, ऐसा क्या। हाँ हाँ क्या कहते हैं, अंडा करी चिकन, मैंने भी सोचा अंडा करी रोटी। अरे चलो चाहे चिकन चिकन करी रोटी खाइए, चाहे मन से रोटी खाइए, ऐसा क्या। चलो ठीक है, ये मन तो भाई ओके ओके ओके, क्या बोलते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, कोई चिकन से ज्यादा गर्म होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर अंडा करी बनेगा। तो ये दोस्तों मंगा लिया है मैंने, क्योंकि नाश्ता कर लो। हाँ नाश्ता कर लेते, फिर उसके बाद जाएंगे ना वहाँ पे, शक्कर लेके मैं जाऊंगी, ठीक है ना। बता दूँ, बज चुके हैं रात के 12, मतलब 12 बजने वाले हैं, और अब जाके मेरा काम आम ख़त्म हुआ है, क्योंकि जो मैं शाम से मैं शुरू हुई थी, तो मैं लगी हुई हूँ, और मैं क्या बता दूँ, मेरी बैंड बजी हुई है। ये रहे मेरे पति देव, जो कि आराम फरमा रहे हैं। ये कैसा आ रहा है भाई, हाँ ये आ गया, और ये मेरी बछड़ी। और दोस्तों मैं बता दूँ, आज एक बैठ जाती हूँ मैं, है ना, बैठ ही जाती हूँ ताकि अच्छे से फूट जाए भाई, है ना, अब ठीक है ना। तो दोस्तों आज दूसरा दिन हो गया है, मेरे पति देव ने मिल्की को गोद में लिया ही नहीं है, ये भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, ये भी बेचारे तरस तरह उसको तो खिलाने वलाने के लिए खिला नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जुकाम वुकाम भी हो, वो इन्फेक्शन वगैरह भी ना हो जाए, और इनको हाई फ्लू भी हो गया है, तो वो भी बीच बीच में कब हाथ चला जाता है, आँखों में पता नहीं चलता है, तो ये सब टच ना हो, इसे दूरी बना के रखें। तो इसलिए आज दूसरा दिन हो गया है कि बच्ची को उन्होंने गोद में लिया नहीं है, और यही वजह है कि मेरा काम ना और बढ़ गया है, मतलब कि मेरे पर और घर का इतना हद वाला प्रेशर पड़ गया है ना, मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये बच्चे को भी संभाल नहीं सकते, और मेन काम बच्चे का ही होता है, क्योंकि एक जन कोई बच्चे को संभाले ना, तो दूसरा इंसान ना फटाफट दूसरा काम निपटा सकता है। अब मेरे साथ क्या होगा कि मुझे दोनों को मुझे ही करना है, ये बच्चे को भी संभालना है, घर का भी सारा काम करना है, इनको भी मुझे कुछ करने देना है नहीं, क्योंकि उनकी भी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, तो ऐसे कुछ करने दूंगी नहीं, क्योंकि जुकाम वुकाम भी आ रहा है, फीवर भी वगैरह भी हो रहा है, कि वो कुछ नहीं बर्तन वर्तन धो दे बाकी काम कर ले, तो वो भी काम मैं नहीं करने दे रही, और उनको वीकनेस भी फील हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में तो उनको काम मैं करने दे ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने भी जब इनका फ़र्ज़ आया था, जब मैं प्रेगनेंट थी, तो इन्होंने मेरा बहुत केयर किया था, बहुत देखभाल किया था, और बस ना बोलना शुरू ना करो, इधर का अपना चौड़ा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों तो इन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा था, तो इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है ख्याल रखने का, इसलिए मैं चुका रही हूँ, मतलब वो करके समझे। तो दोस्तों वाली बात नहीं है कि चुका रही हूँ, बात ये कि हर हर जीवन साथी को, हर पार्टनर को अपने पार्टनर का साथ तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, इन्होंने भी जिस तरह मेरा बहुत केयर किया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था, बिल्कुल थक मत के आते थे, फिर भी मेरा पूरा उस दौरान वो एक आध दिन का सफ़र नहीं था, पूरे 9 महीने साल भर का सफ़र था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी मुझे कई काम करना अलाउ नहीं थे, कई काम नहीं कर दे रहे थे। क्या हुआ, अरे 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 ये पलट गई है, ये है ना, सीधा कर सीधा कर दोस्तों, पलटने लग गई है, पलट के भागना भी शुरू कर दिए ये।
खेलो बेटा खेलो, पापा तो चटवाए ला के दिए है, खेलो तो उठना। पूरा पलटी मार देती है ये, और फिर गला उठा कर भी दिखाएंगे आपको। हाँ पूरा गला भी उठाने लगी है, भागना भी शुरू कर दिए दोस्तों। तो अब कुछ कुछ इसका इंतजाम आप जल्द से जल्द करना पड़ेगा, कि जो भागना शुरू कर दिए ना तो कभी ये लटक के गिर जाए, क्योंकि दो बार ऐसा हो चुका, इंसिडेंट हो चुका है कि ना ये नीचे लटक चुकी थी ना डार्लिंग, मतलब ऐसा हुआ था कि पूरा लटक गई थी, मतलब खिसक खिसक के वहाँ तक पहुँच के पूरा आधा पैर नीचे लटका हुआ था, आधा पोर्शन उसका शरीर मतलब कि बैठ पे ही था, मतलब ऐसा कंडीशन आ चुका कि जरा सी भी गलती हुई, हाँ जरा सी भी गलती हुई, जरा सी भी चूक हुई ना तो कुछ भी मतलब घट सकता है, आई मीन वो नीचे गिर सकती है, गिरना सही नहीं है। दोस्तों मैं क्या ये क्या बोल रही थी भाई अपने पति देव के बारे में, कि इन्होंने ख्याल रखा, तो इसमें कोई वाली बात नहीं कि इन्होंने ख्याल रखा इसलिए मुझे ख्याल रखना है, वाली बात नहीं है। बात ये कि अभी उनकी तबीयत ख़राब है तो मेरा पूरा फ़र्ज बनता है इनका ख्याल रखना, क्योंकि एक जीवन साथी का यही असली फ़र्ज होता है कि जब मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरी तबीयत ख़राब हो तो ये ख्याल रखे, इनकी तबीयत ख़राब हो तो मैं ख्याल रखूँ, ये तो जीवन साथी का फ़र्ज़ होता है जो कि हम दोनों अदा करते आ रहे हैं। इन्होंने भी बड़ा एहसान किया है मुझ पर, तो मैं अभी चुका रही हूँ और चुकाती रहूँगी। तो दोस्तों हम लोग मन कर रहा है कि खाने खाने का, मेरे को मन कर रहा है, मन कर रहा है, मेरे को जब से तबीयत खराब हुआ यार खाली भूख ही लग रहा है। जैसे दोस्तों घर में बैठे हैं ना तो कुछ ज्यादा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जब ये वर्क करते हैं इतना फिर से ये हो गई। हाँ ये क्या है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ मैं, ये क्या है यार, अरे अरे ये क्या है, हाँ मेरा बेटा, अरे 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 वे हंस दिया रे, हंस दिया। अब अगर कैमरा को देख हंसती भी है जानू, देखी ना कैमरा को देख भी रही है, बड़ी फुटेज वाली लड़की होगी जानू ये। हाँ तो सब कैमरा कर दो ना, पका था कैमरा को देखती रहेगी, मतलब जैसे उसको पता है कि आप फुटेज देना है यार, ये भगवान ने कौन सी है? मतलब लगता कि हम लोग को देख के ना पेट से ही देखते आई कि ब्लॉगिंग करती है मम्मी, मम्मी पापा ब्लॉगिंग करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, फिर तो पेट से ही सब सीख सीख के आ रही है ना। हाँ मतलब पेट से ही सब सीख सीख के आ रही है, सब कैसे फुटेज कहाँ देना कैसे देना सब वो है। तो दोस्तों तो आज मैंने चिकन और अंडा दोनों मंगवाया था, तो मैं सोची थी चिकन बढ़िया बनाऊंगी तो कि अच्छा लगे, अच्छा हो क्योंकि जुकाम वुकाम है तो गर्म गर्मा गर्म अच्छा लगेगा। अंडा और चिकन दोनों ही वैसे अच्छा होता है, तो लेकिन इनकी इच्छा थी, अब क्यों इच्छा थी मुझे नहीं पता, अंडे कहीं ज़्यादा इनका डिमांड था तो अंडा मैंने बना दिया है। फिर बनने के बाद बोलते थे मुझे तुम तो चिकन बनाने वाली थी, तो ये फर्जी वाड़ा कर रहे थे, ये पलटा गिरी कर रहे थे, तो मैंने बोला था पलटिए मत अपने साथ, मैं ब्लॉग में मतलब ब्लॉग भी बनाया है तो सबूत है कि इन्होंने अपने मुंह से खुद अंडे के लिए बोला था, फिर बाद में मेरे से बोलते कि नहीं तुम तो बोलती चिकन बनाना है, ये है वो है फलाना ठिकाना, मैंने बोला बातों से पलटिए मत, आपने जिद किया था कि अंडा खाना है तो मैंने अंडा बना दिया है, तो मेरे अंडा 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 इसको सीधा कर पहले पलट जाएगी, चीखना चिल्लाने लगेगी, ये अभी एक ही डायरेक्शन आता है ना, उल्टा होने नहीं आता है। हाँ उल्टा हो जाके अटक जाती है, वापस सीधा हो नहीं पाती है, फिर चिल्ला चिल्लाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों मेरे पति देव को लगाई है भूख और मैं लगाती हूँ खाना, क्या है बेटा दोनों चिल्लाओगे तो कैसे काम चलेगा, वैसे मम्मी पूरा काम अकेले कर रही है, या फिर ये चिल्लाते रहेंगी, वहाँ पति को मेरी डिमांड बढ़ चुका है, जब से घर बैठे हैं तो भूखी लगती रहती है, नाश्ता दो खाना दो पानी दो घर सारा काम करो डाले है ना, प्यास दोस्तों पत्नी का काम है प्यार से करना, मैं प्यार से कर रही हूँ, तो मैं फटाफट लगाती हूँ पति देव के लिए अंडा करी, तो हम फिर खाने पे आपसे मिलते हैं। चुका है खाना और बोलो तो एक अंडा नहीं पता उसमें से मतलब अपने खोपचे से निकल के बाहर तैरना शुरू कर दिया है, जिसको मैं निगल लूँगी, और मेरे पतिदेव खाना भी शुरू कर दिए हैं, खा के बताइए, हाँ खा के बताइए ना, तो उसमें पति की शरीर में जान नहीं है, बस बात भी कर रहे हैं बहुत धीमा धीमा, मतलब कोई कैपेसिटी सी नहीं है। अच्छा है मस्त है, मस्त है, और वो मेरी बच्ची हर कम बचा के रखी है, पूरा हिला के रखी टॉय को अपने, हाँ हाँ ये देख कैमरा आते ही ना यार, ये अपना ना फोकस बकायदा, हाँ थोड़ा बता बातें करो इनसे, बातें करो, हाँ बोल दो बेटा बोल दो, हेलो बोलो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, नहीं पसंद नहीं है, नहीं नहीं से बात नहीं करने का मूड नहीं है उसका। तो दोस्तों तो मिलेंगे आपसे कल, आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग अच्छे लगते होंगे,
अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।